गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। केमती अछंती आपण माने? आशा करूची आपण माने बहुत भलरे थिबे। मुई एकटा स्वागत करूची आपण माननकु मो चैनल को। आज मु आपण माननकु सते शेयर करिया पे जाउची छ आज मु एंटायर डे रे कोन कोन खाइले। मते बे प्रबल भूख गलानी, तेबे चालन तो देखिनबा मु ब्रेकफास्ट के आज कोन खाउची। ब्रेकफास्ट रे मुठि बनाउची पीनट बटर बनाना ब्रेड टोस्ट। इट देखंतु मु ब्रेड टोस्ट नै जाय छी, सेठि मु डार्क चॉकलेट वाला पीनट बटर लगे दो छी भलो भाबरे। तापर एठी मु बनाना को स्लाइसेस करिके रखि दे छी, ताको ता उपरे लगे देबी। अपन चाहिए एमती भी खाईपरि, जदि अपन को सैंडविच बनैबा अच्छी ताहले बनारार गोटे लेयर दे सारा पर आ गोटे ब्रेड टोस्ट को भी ता ऊपर देके अपन सैंडविच बने के भी खाईपरि। बहुत इजीली बनी छे, बहुत भल भी लगे। देखंतु रेडी गला मो पीनट बटर बनाना ब्रेड टोस्ट, आपको घरे निश्चय बने के थरे ट्राई करके देखंतु। तापर मु लंच रे बनाऊँची छतु पिठो भजा। ये मु पाड़ छतु नहीं, छतुर ऊपर जो पाखुड़ा भड़िया पोर्शन थाए ताको मु एमती काढ़िकी छोट छोट पीसेस करनाऊँची हाथ रे ही। देखंतु मु केमती ता नाड़ तळु बाहर करछि, ताको सफा करछि छतुटा को, ताको एमती ही करिबे। मुटे हळदी पानी रे ताको भल भाव रे धोई नेबी। देखो नाड़ को भी मुझे छोट छोट पीसेस करनेली। टोटल छतु को मुझे ही बाछी नेली। देखो हलदी पानी रे मुझे धोई ताको भल भाव चिपुड़ी की बाहर करनेबा, जमती कि पानी तक सब बाहरी जीव कि छतुर शेपटा इंटाक्ट होती। पानी बाहर कला बेल छतु को बिलई दौले भल लगे। देखो मु सेकेंड राउंड रे आउ थे धोची हलदी पानी रे ताको। छतु खाइबा तो बहुत टेस्टी लगे किंतु बहुत टाइम टेकिंग जिनसटा। देखो मु भल भाव या धोई नेली। छतुटा पूरा सुखा हवा कथा। देखो छतु मु नहींगले धोईकी मुझे पियाज पकई नहीं, कंचा लंका, चावल चूना नहीं दी चम्मच, हलदी और लंका गुंड नहीं, स्वाद अनुसार लुण पकेबे और प्याज अदा और रसुण को बाटिकी से बटाटा को ये पकईची भल भाव मिक्स करने। तापर गोटे तवारे गोटे फ्राइंग पैन रे अल्प तेल पकईकी भल भाव भाजने। आपको जमारु हाई फ्लेम रे भाजबे ना उपर तो क्रिस्पी देखा जाऊ कि भितर पूरा कंचा थी, फ्लेम टा को लो करके ही भाजबे। देखु गोटे पट हो ब्राउन, ताको हमें उल्टा पट को भाजी ना भल भाव पेसेंसफुली आपको करेंगे, खाइबा बहुत ही टेस्टी लगे। देखु आम छतु के सुंदर भाव में भाजी गला बाहर करने। तापर मु लंच रे बनई सजना छुई और आलू बेसर भजा। चलतु देखने केमती बनाऊँ। ये गोटे कड़े नहीं, कड़े में अल्प सोरस तेल पकईची, मु फुटण से सोरस और जीरा पकईदेली। फर्स्ट तापर मुझे पियाज पकईची, पियाज पकईकी हल्का भाजी नबा अल्प लुण देकी छाड़ी दबा। से भितर आम बेसर प्रिपेरेशन करने। ये देखु मु चार चमच सोरस नहीं, दी चमच जीरा नहीं, बहुत गुड़ाए रसुण, सुखा लंगा दीटा,
आउ गोटे इंच अदा से पानी एड करके भल भाव मिक्स करके छाड़ ने बतरी गलापर ताको भलसे ग्राइंड करने देखु पिज आमर भाजी गला हालका ये हलदी और लंका गुंड देखिए भल भाव मिक्स करने मुझ छुई को एमती काटिकी जिपर पाउच रे रखे और फ्रिज रे रखे कारण मत छुई रखा फ्रिज रे बहुत असुविधा हुए आपण मैंने केमती स्टोर करती छुई को मत निश्चय जनइबे देखु ये सजन छुई आलू को लंबा लंबा काटिदेजी ताको धोई नेली भलसे एपटे आम पिज भाजी सारे से पकईद हल्का मिक्स करने बे। इटी अल्प लुण पकईदेली मु स्वाद अनुसार जी दरकार पुणी आउ थे मिक्स करदे और घोड़े कि समय पर छाड़देव एबे मु दीटा छोटो टमाटो काटिकी नहीं पकईदे पकईकि घोड़े छाड़देव देखु टमाटो सब बिगला भल से भल भाव भाजी गला आलू भी सीझी जाए भल से भाजी जा टमाटो तक भी सब जाक बिड़ी जाए आम जो बेसर बाटिकी रखी ताकि पकईदे मुझे वन एंड हाफ स्पून बेसर पकई ताको भल भाव मिक्स करने लुण तो आम अलरेडी दे सारी आगु मुझे अल्प पा भी एड कर घोड़े की बारंबार एमती फ्राए करेंगे बेसर टा जिते भाजी हे से भल लगे से जाल टाक कमे घोड़े की बारंबार फ्राए करेंगे देखु भल भाव भाजी गला देखु छुई आलू बेसर भजा मोर रेडीगला तो चलतु देखने मुझे लंच रे कौन कौन खाई इटि मुझे भात डाली छतु पिठ भजा आउ छुई आलू बेसर भजा तापर संध्या रे मु तो चा पीएनि जमारू तो मो हस्बैंड को मो चा देखी आउ कि बिस्किट्स मु बस बिस्किट्स खाई मो जमारू चा पीएनि मुझे भी जस्ट आपको चा देखी आसली मुझे भावुची जो डिनर प्रिपेरेशन आज मुझे जल्दी करनेबी जदि मुझे फटाफट से डिनर निपट नौ आम दिजन मिसिकी गोटे वेब सीरीज देखार प्लानिंग अच्छे आमर आज तो चलत देखने मुझे डिनर में कौन बनाऊँ डिनर रे मु बनाऊँ मटर पनीर ये देखु मो पनीर को छोटो छोटो क्यूब रे काटे नहीं अल्प लुण पकईबी जी पनीर पर दरकार ताकू गरम करने छाड़देवी जिते बड़े हाल्का बबल्स हाँ स्टार्ट तपर फ्लेम टाक बंद करदे और सेठी सब पनीर को पकईकी भल भाव मिक्स करके छाड़ी ने कि समय पर एमती कले पनीर टा जो हार्ड होता बहुत नरम हो जाए तापर मुझे गोटे कड़े नहीं कड़े अल्प तेल नहीं पकई जीरा अलच डालचीनी और तेजपत्र भल भाव भाजी ना देखो अलच जाक सब फुली गला तेल ही मुझे पकेबी अल्प हलदी और लंका गुंड तेल रे डायरेक्ट पकेले कलर टा बहुत सुंदर आसे आप जहाँ भी बनइबे मुझे पियाज पेस्ट नहीं पकईनेबी पियाज बटे को भल भाव भाजने कंचा स्मेल गला जाए तापर मुझे अदा और रसुण नहीं पकईदेली जी पियाज पेस्ट नहीं थे तार अदा ने अदा और रसुण पेस्ट को ताकू भी भल भाव भाजने
ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚିନି ପକାଇଛି। ଚିନି ପକାଇଲେ ମସଲାର କଲର୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ। ଆଉ ମଟର ପନିର ଟିକେ ମିଠା ହେଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚିନି ପକାଇଛି। ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭାଜି ନେବା ଭଲସେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହି ଗରମ ମସଲା ପକାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ଘରେ ଯାହା ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା, ମୁଁ ଏକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସରେ କାଟିଦେଇଛି। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଏଡ୍ କଲି ମୁଁ ଏଠି, ଯେହେତୁ ମସଲା ପୁରା ଶୁଖା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ି ନେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ସିଝି ଯାଇଛି ଭଲସେ, ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବେ ଭଲସେ। ମସଲାରେ ଟମାଟୋଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି କିସମିସ୍ ଓ କାଜୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକୁଡ଼ା କରିକି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ପକାଇଦେବି। ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା ତାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ମୋର ତଳ ଆଡ଼ୁ ଲାଗିଯାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କଞ୍ଚା ମଟର ନେଇଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ପିସ୍ ମୁଁ ପକାଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଷି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇଛି ମସଲା ପାଇଁକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ସର ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଷୀର ପକାଇଦେବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦରକାର ମଟର ପନିରରେ, ଆପଣ ସେଇ ଏକର୍ଡିଂଲି ନିଜେ ମିଲ୍କ ପକାଇବେ। କ୍ଷୀରଟାକୁ ମୁଁ ଫୁଟାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ରଖିଥିଲି, ତାପରେ ଏଠି ପକାଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବେ, ନହେଲେ କ୍ଷୀରଟା ଛିଣ୍ଡିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସର ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗରମରେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଇଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଜମାରୁ ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଯେଠି ସର ପଡ଼ିଛି। ପନିର ପକାଇବା ଆଗରୁ ଲୁଣ ଚାଖିକି ସେଠି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ପନିର ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏଠି ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଘୋଡ଼େଇକି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିଗଲାଣି ମଟର ପନିର ଆମର, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମ ମଟର ପନିର। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ରୁଟି ସେକି ନେଉଛି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମ ଡିନର। ଆଜି ମୁଁ ଡିନରରେ ଖାଇଥିଲି ରୁଟି ଆଉ ମଟର ପନିର। ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।